स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तेजस्वी तैयार भी हो गई है नहा के, और दुष्यंत अभी सो रहा है। दुष्यंत उठ बेटा, ताई तो तू खाई भी नहीं रात ने, तो पापा का क्या ले आदा भाई। मैम नहीं बोल दिए कि मैम इसको ठीक करके दो। दुष्यंत ए मत करे, दुषी दुष्यंत उठ बेटा, आज सौ पहले उठा कर, तू आज सौ लेट है। दीदू पहले तैयार होया करे, दीदी खुद खुद उठ ही देख लिए, ब्रश कर लिए और सारा काम कर लिया, आराम नहा के तैयार होगी। आ जा तू भी खड़े जा, बनाना शेक पियोगे हैं? शेक तो के पियोगो, बेल को जूस, दो ही ऑप्शन नहीं मेरे को तो। आके खा ली बेटा, आके टाइम है अभी तो, दूर जा दाणी, उड़ जा बेटा। ओल उठ के बैठ तो गए भाई। दोनों बच्चों को दे दिया बनाना शेक, इस ये पी के ही जाएंगे, उसके बाद दोपहर को छुट्टी होगी तभी खाना खाएंगे, अब कुछ नहीं खा के जाएंगे। और दुष्यंत अभी तैयार भी नहीं हुआ। दुष्यंत टाइम हो गया है 6:30 हो गई, 7 बजे 6:40 पर बस आ जाएगी। छुट्टी कौन कर दूंगी, जय जय आप बैठे हो ना, भी साबु ही भेज दूंगी। और सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने कमरे की झाड़ू भी नहीं निकाली है, तो कमरा भी ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। इनके जाने के बाद ही निकालूंगी झाड़ू। पी लियो तो है कि ए पी एक थाल नहीं को जूस। दुष्यंत दीदी तो तैयार हो बैठी, दीदी तो कहें भी पीले, तो अभी तैयार भी कुनी हुए। दीदी का सारा काम होगा, खानो बना के डालना, बस बोतल वाटल सब कुछ डाल दियो, फटाफट पी बेटा। छोटो सो तो गिलास हो, थोड़ो सो हम डाल के लाई ही। हाँ चल तो तू खड़ो जा, तेरा काम कर ले। उठो दिखाने, उठो उठो। चल 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 चल। तो बच्चे चले गए स्कूल और मैं करूँगी अपना काम। बच्चों का तो हो गया है दोपहर तक, दोपहर को आएंगे 2 बजे, तो दोपहर को दोबारा से खाना बनाना है और करना है, वो तो है ही। लेकिन अब मैं अपने काम लग जाऊंगी, बस बच्चों का काम दोपहर तक का खाना पीना नहाना धोना सब काम हो गए हैं। छुट्टी के दिन न तो टाइम पे नहाते हैं न खाना खाते हैं, और स्कूल जाते हैं तो इनका रूटीन होता है, रूटीन के हिसाब से ये काम कर लेते हैं। और छुट्टी होती है तो पढ़ाई भी टाइम पे नहीं करते हैं, बोलते हैं कि कल की छुट्टी है कल की छुट्टी है, तो ये टाइम पे नहीं करते हैं। छुट्टी के दिन शाम को ये कराना पड़ता है, पहले दिन तो करते नहीं है। दुष्यंत आके तो बोलता है कि मैं आज पहले ही होमवर्क करूँगा, फिर मेरे को संडे को कोई नहीं बोलेगा कि तू होमवर्क कर, तो मैं आराम से खेलूँगा, लेकिन वो नहीं करता है। दोनों संडे के दिन शाम को ही करते हैं कि कल स्कूल जाना है। दुष्यंत का तो एक बार तो पेट दर्द भी करने लग गया था, लेकिन सोचा कि मम्मी घर पे रखेगी नहीं तो ये तो चलेगी नहीं, तो वो चला गया है। ये बेल का जूस एक ली पिछी गए, बेल ही तो ही दियो तन है ना। सभी ने चाय पी है, तेजस्वी को एक बेल दे दिया, ये बेल का जूस बना के पी लेगी। दुष्यंत पीता नहीं है, उसको बनाने से एक बना दिया है।
सभी की अलग अलग फरमाइश है। कोई चाय पीता है, कोई बनाना शेक पीता है, कोई बीन खजूस पीता है। पापा नहीं हो, पापा को तो कुछ भी डाल दो सभी चलेगा। आज बील का जूस किसी के लिए नहीं बनेगा, बस तेजस्वी अपने लिए बना रही है, वरना रात को दूध में पीते हैं, दूध मिला के बील। और तेजस्वी ने दूध पहले ही पी लिया था तो अब पानी में मिला के बना के पिएगी। और अभी माँ आज मैं बनाऊंगी खीर, तो खीर बनाऊंगी तो बील के जूस की कोई ज़रूरत नहीं है। खीर खाएंगे आज तो, सावन के पहले सोमवार की खीर। तेजस्वी खाएगी तेजस्वी खीर, चावल की खीर। घिया कहाँ है? बाजार में बढ़िया कौन मिलने दवाएं क्या हुए आपने? बेल खेत में लाग रही है, अभी का लागंग जना बनाऊंगा एक ले आने। एक लेके आए थे खेत से तो उसके अंदर थे कीड़े, मैंने तो सोचा खीर बनाएंगे लेकिन एकदम से खराब निकली। तो अब मैं बनाऊंगी खीर। तो अभी मम्मी बना रहे हैं खीर। ये दूध जो गरम किया है उसकी तो बना लेंगे खीर, और जब पहले गरम किया था वो जमाने के लिए छोड़ देंगे दही के लिए। चूल्हे पे ही बनाएंगे ताकि स्वादिष्ट बने एकदम मज़ेदार खीर। चूल्हे पे बनने से स्वादिष्ट बनती है क्या? चूल्हे का तो स्वाद ही अलग होता है। तो चावल की है, एक बार दूध गर्म हो जाएगा उसके बाद डालेंगे चावल। मम्मी आग जल रही है जोरों की। मम्मी लेके आ गए हैं छाने और इनकी आंच से बनाएंगे खीर। मम्मी ये कैसे बनते हैं? ये ऊपर से बनते हैं। उकले हैं क्या गोबर के? उकले। क्या कर रहे हैं मम्मी? ये मम्मी खीर के लिए चावल निकाल रही है। क्या लगे? इल्ली। वो क्या होती है? देख लीजिए दोस्तों, अभी काली काली सी इल्ली है। धूप में रख सकते हैं। आज बनाओगे क्या? आज क्या बनाओगे? मेरी अब तो बना लेंगे, बना लेंगे धोके। देखिए दोस्तों इल्ली, और ये देख ये तिल है सफेद, इन पे ध्यान नहीं दिया। देखिए ये जानवर हो गए इसके अंदर, और इसका बना दिया आटा। आटा क्या बना दिया इसकी, देखिए एकदम से खराब कर दिया है। तो अब क्या करोगे मम्मी? जैसे चावल से अपना क्या होगा? बन जाएंगे इससे। गर्म हो गया है, अब इसमें डाल दूंगी चावल।
इतना सा चावल से हम लोग क्या हमारी खीर बन जाएगी हमारी इतने से चावल से हमारी क्या दूध में चावल डालने से बड़े बड़े हो जाएंगे क्या बहुत धुआं हो गया अब इसको सीजने देंगे लगभग आधे घंटे में बनकर तैयार होगी ये देखिए तेजस्वी और दुष्यंत की कलाकारी तेजस्वी ने बना दिया घर पता नहीं क्या क्या लगा दिया बहुत सारे श्रृंगार कर दिए इसके एंटीना लगाया है पता नहीं क्या लगाया है इसके अंदर आग जलाने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन मैंने उनको माचिस नहीं दी नहीं कार्रवाई तो सारी बैठा देते यहाँ पर मम्मी बना रहे हैं दाढ़े का चूरमा ये देखिए ये दाढ़े उतार लिए हैं मैंने और अभी इनको सेक रही हूँ तेल में मम्मी ये आटा इनका कैसे बनता है तेल जिस तरह से चूरमे का आटा लगाते हैं ना उसी तरह से इसका आटा लगाया जाता है और उसके बाद में इसको तेल में भुना जाता है नहीं तेल में नहीं घी में ये घी है देसी घी एकदम से प्योर प्योर गाय और भैंस का मिक्स और इसमें बना रहे हैं मिक्सी से पीस लेंगे और उसके बाद में खीर बनाई है खीर बनकर तैयार है खाएगा हाँ। मैं अरे बेटा दोग लगा था मैंने खाया थोड़ी है मान लो नहीं ना बेटा ना दूसरी ना खानो को नहीं एक बार चूरमा बनाऊंगा मम्मी इसलिए ना क्या कि आज नारियल चढ़ाऊंगा काल चढ़ाऊंगा मम्मी प्रोसेस हो रहा है आउटपुट प्रोसेस इनपुट हमारे कंप्यूटर में बताते हैं इधर प्रोसेस हो रहा है आटे का फिर ये बनके तैयार है इनको तो हम बनाते हैं मिट्टी से बन इसके अंदर घी अंदर चला जाए इस तरह से बनाते हैं गरम है रे मम्मा आज गर्मी बहुत तेज है चूरमा दाढ़ी को हो गया यम्मी लग रहा है यम्मी तो है ही अब इसमें घी और चीनी और मिला लेंगे फिर हो जाए तो वैसे भी नहीं है देखिए ये देखिए ये बन गई एकदम तैयार है अरे मां ने खा के घीचनी वाला तो तू कौन रटे जा तेरे हूं जा खा जा मान हैं कल चीनी मिला दे घीचनी मां भी घीचनी ले आ जाओ
दे हद ही कर।